तमाम चेतावनी के बाद भी SRS इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी की ओर से लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराया गया, जिसके चलते DDP धर्मवीर खत्री दलबल के साथ सोसाइटी पहुंचे और सोसाइटी को सील कर दिया। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबर पर बने रहने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जीवन में हर कोई पाई पाई जोड़कर एक घर का सपना देखता है, लेकिन देश भर में फैले बिल्डरों के मकड़जाल में कई बार उनके सपनों पर पानी फेर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ बुधवार को रेवाड़ी के घड़ी बोलनी रोड स्थित SRS इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी में हुआ। सरकार की तमाम चेतावनी के बाद भी SRS इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी की ओर से लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराया गया, जिसके चलते DDP धर्मवीर खत्री दलबल के साथ सोसाइटी पहुंचे और सोसाइटी को सील कर दिया। पहले से मौजूद वहां रह रहे मजदूरों ने आनंद फानंद में अपना सामान उठाया और चलते बने। आखिर सैकड़ों की संख्या में वह लोग कहां जाएंगे जिन्होंने गड़ी बोलनी रोड पर जिंदगी की काढ़ी कमाई से पाई पाई जोड़कर एक घर बनाने का सपना देखा था। यहां पे बता दे कि SRS रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर से वर्ष 2008 में लाइसेंस नंबर 167 रेवाड़ी शहर के गड़ी बोलनी रोड पर लिया गया था। गांव पदैयावास सीमा में करीब 6.643 एकड़ पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कर लोगों को भव्य सपने दिखाकर मोटी रकम भी वसूली गई, लेकिन घर के नाम पर आज भी सैकड़ों लोग महज अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, बिल्डर की ओर से 2016 में लाइसेंस रिन्यू तक नहीं कराया गया। बीते 6 साल की बात करें तो प्रदेश सरकार की ओर से लगातार बिल्डर को लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए नोटिस दिए गए, बावजूद इसके कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी। इसी के चलते बुधवार को DDP धर्मवीर खत्री ने पूरे प्रोजेक्ट को सील कर दिया। लाइसेंस नंबर 167 ऑफ 2008 लिया था, लेकिन इन्होंने जो लाइसेंस की रिन्यूअल वगैरह की जो कंडीशन सरकार डालती है वो इन्होंने अपडेट नहीं करवाया, और इनकी रिन्यूअल थी 2016 तक वैलिड था, और इसका रिन्यूअल ख़त्म होने के बावजूद सरकार ने इनको बार बार नोटिस भी किया, इन्होंने उसकी कंप्लाइंसेज नहीं की, उसके बावजूद ये फेल हुआ है उसको कंप्लाइंसेज वगैरह करने में, तो सरकार ने आखिरकार इसको सील करवाने के आदेश कर दिए, लाइसेंस कैंसिल कर सील करवाने के आदेश कर दिए। सरकार ने बहुत सोच समझ के ही वो किया है, इसके ऊपर जो फैसला लिया सरकार ने बहुत सोच समझ के लिया इसके ऊपर फैसला, और इसका जो भी इसमें कोई दूसरे आदमी थर्ड पार्टी राइट क्रिएट है उनके भी उनको इंटरेस्ट को वाच किया जाएगा, सरकार पूर्ण रूप से वाच करेगी। ये सिर्फ बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ताकि वो लोगों की खून पसीने की कमाई को ऐसे ही उन्होंने बगैर लाइसेंस के रिन्यू वगैरह करा कर यहाँ फंसा कर खड़ा कर दिया। ये काफ़ी टाइम से हम कार्रवाई हमारी कोविड की वजह से और दूसरे कारण से नहीं कर पाए थे, पिछले 2-3 महीने में कार्रवाई होकर राजधानी सेक्टर 18 और 26 के डिवाइडिंग रोड पर काफ़ी प्रॉपर्टी डीलरों के ऑफिस थे, 10-12 तो ऑफिस ही थे और थे जिन्होंने अनऑथराइज कॉलोनी स्टार्ट कर रखी थी, उनके ऊपर हमने थोड़ा सख्त कार्रवाई। कोई भी मेरी तो सभी से गुजारिश रही, किसी भी आदमी को प्रॉपर्टी डीलर या किसी के बहकावे माक है अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को, ऐसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अगर किसी भी आदमी ने पता करना है ये कॉलोनी ऑथराइड है अनऑथराइड है उसमें फंसने से ताकि बच जाएं, तो DTP कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को 9 से 5 के बीच में पता कर सकते हैं इसके बारे में, और कृपा करके अवैध कॉलोनी में प्लॉट वगैरह और ख़रीदने से बचें, ताकि उनकी जैसे आज काफ़ी हमने सख्त कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहेगी।